अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नोट्स वर्ल्ड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मिलते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे, सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में बरकतें अपनी रहमतें नाजिल करें, सब अपने घर में खुश और आबाद रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, नए दिन का आगाज़ करते हैं नए व्लॉग के साथ, ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तो आज जो है हम लोगों ने शादी में भी जाना है, कल जो है घर पे मिलाद भी है फूफो के घर पे। हमारे घर नहीं, बिल्कुल साथ मेरी दादो फूफो कर रहती हैं, सारी वानिया की दादो, उनके घर भी मिलाद है, उधर भी जाना है। तो आज कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम करूँ और आपको अपने काम में साथ रखूँ। शादी में जाना है, मेरी जो है हस्बैंड के दोस्त की बेटी की शादी है, बहुत छोटी सी दुल्हन है, आपको ज़रूर उससे मिलाऊंगी। मुझे वैसे देख के बड़ा हुआ सोच के कि इतनी छोटी सी है, लेकिन उसकी शादी कर दी। अल्लाह पाक उसके बच्चे के नेक नसीब करे और जो है आगे हर तरह से खुशियाँ नसीब करे उसको, अल्लाह पाक हर तरह की खुशियाँ जो है ना उसकी किस्मत में दे। तो एक तरह से ठीक भी है कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, लेकिन एक तरह से ये भी है कि यार शादी जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो छोटी उम्र में लड़कियों को शादी करा के उनका बचपन जैसे ना छीन लेते हैं हम लोग। तो दूसरी बात अगर दूसरे वे में देखा जाए तो ये भी होता है कि लड़कियां अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना उनमें, ये एक नेचुरल सा अमल है कि हम लड़कियों को ना अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत अच्छे से पता होता है। तो खैर अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करे। बस अब जल के तैयारी करती हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने और अब जो है ना शादी पे जाने की तैयारी। गाइस तो वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही लाइक किया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं किसको रोक लिया, कौन सा झूले वाला आया कि कौन आया, चल के देखते हैं ज़रा। तो लड़की ना किसी को भी रोक लेती है और फिर बाहर से पैगाम भी जाती है। तो ज़रा हॉर्स पे बैठी हुई है, अंकल भी सही हैं जिसने उसको पहले बिठा दिया हुआ है और बाद में पैगाम भी जो है अभी बैठ गई है वो। लकड़ी की काटी करो, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे। आराम से आराम से बाजी। अच्छा पहले होते थे कि पूछते होते थे बिठाना है बच्चे को कि नहीं, हम बिठा के तो फिर पैगाम भिजवाते हैं। नो बस चक्कर आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, गिर ना जाना पीछे। आराम से गिरना ना, मज़ा आ रहा है। थोड़ा चक्कर दिया, उतार दो नीचे। नहीं कोई बात की नहीं, उतार देती हूँ नीचे, चक्कर आ रहे तो उतार देती हूँ। किस पे बैठी हुई हो आप? हॉर्स पे। ये जनाब तो हम लोग शादी पे आ चुके हैं। घर पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई अपनी तैयारी वगैरह, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो लेकिन ये है कि हम लोग समझ रहे थे हम काफ़ी लेट हो गए, हम यहाँ पर आए 8 बजे, जबकि कोई भी मेहमान अभी इतने खास नहीं आए हुए थे। तो काफ़ी देर हम बैठे रहिए। आप देख सकते हैं छोटी सी दुल्हन और इसके मम्मी पापा माशाल्लाह इतने छोटे छोटे से हैं, मम्मी पापा उसके, और इसके बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मिलनसार हैं, इतने मिलनसार हैं। हालाँकि अपनी बेटी को स्टेज पर लेके जा रहे हैं, बट उधर जो भी बड़े बैठे हुए थे उनसे साथ साथ मिलवा रहे थे, उन्हें प्यार दिलवा रहे थे और जो है ना दुआएं ले रहे थे अपनी बेटी के लिए। बड़ा अच्छा लगा ये मुझे सीना कि मामा बाबा ने, एक साइड से मामा ने पकड़ा हुआ था, एक दिन बाबा ने पकड़ा हुआ था और अपनी बेटी को स्टेज तक लेके जा रहे थे। तो मुझे ये सीन देख के इतना रोना आ रहा था ना, पता नहीं क्यों। जब भी इस तरह से मैं सीन देखती हूँ ना कि कोई लड़की की विदाई हो रही होती है या मैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं रोने लग जाती हूँ। उसकी मम्मा रो रही थी, उनको देख देख के मुझे इतना रोना आ रहा था। खैर फिर बस मैं यहीं पे साइड पे बैठी हुई थी, अम्मी वगैरह का वेट कर रही थी कि हम लोग आएंगे, तो फिर हम लोग जो है अपना गिफ्ट्स वगैरह देकर आएंगे। लेकिन फिर अम्मी काफ़ी लेट आई थी, तो मैंने गिफ्ट ऐसे ही दे दिया था उनको, उसके बाबा को पकड़ा दिया था और जो भी हम लोगों ने इन्वेलप वगैरह देना था वो भी दे दिया था उनको। और यहाँ पर ये मेरी औलाद को देखी जिनका घर बार एक ही काम है। यहाँ पर साइम साहब स्टिल ऑन मोबाइल पर लगे हुए थे और वानिया भी मोबाइल पर पहले काफ़ी देर लगी रही हैं। उसके बाद जो है ना वो हमारी गोद में लेट गई थी सारी। उनको मैं बार बार बुला रही थी लेकिन उसको कोई होश नहीं थी कि मुझे मम्मा बुला रही हैं। वो गेम में इतना मगन था और बल्कि आउट हो गया गेम से, तो मुझे बोलने लगे मम्मा आपकी वजह से मैं आउट हो गया। तो बानिया साहब आराम से चिल मॉल यहाँ पे लेटी हुई थी, बाबा की गोद में सर रखा हुआ था, मेरी गोद में अपनी टांगें रखी हुई थी और बैठे बैठे बेचारी जो है ना थक गई थी। बार बार कहे मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। एक यहाँ पे लेटी हुई है, एक वो लगा हुआ अपने ही मोबाइल पे। आज हमारी लाइट नहीं आ रही तो हम ऊपर छत पे सो रहे हैं और बारिश इतनी तेज़ हुई जिसकी वजह से सारी चारपाइयाँ भी गीली हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर पहले हमने ये शीट बिछाई बट फिर भी जो है ना नीचे से बहुत ज़्यादा गीली थी चारपाई, फिर उसके ऊपर ये शीट बिछाई फिर भी गीली है। अब नीचे से एक जो है ना कोई नीचे बिछाने के लिए बिस्तर वगैरह मंगवाया, फिर शायद थोड़ा कम हो सके। ये देखिए मैडम बैठी हुई है यहाँ पर, मज़े में है, मस्त है कि आज हम ऊपर सोएंगे। हाँ जी यार इतना मज़ा आ रहा है मम्मा जी छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी। चलो एक मिनट उठो ना पापा, बिस्तर बिछाए। पुराने दिन याद आ जाएंगे छत पे सो के। मैंने पीछे गिरना चाहिए, तू इधर आना, तुम खड़ी हो क्या चाहता ना गिर करो और दो दो शीटें बिछाने के बावजूद भी पानी जो है ना चारपाई गीली थी। उठा दो एक मिनट। चलो जी बिस्तर बिछ गया हमारा, वानिया साहब लेट चुकी हैं, अब तो नहीं गीला लग रहा, बहुत सुकून है ऊपर। क्या रख लेते हैं, इतनी तेज हवा चल रही है और लाइट गई हुई है, कोई 1.5 घंटा हो गया लाइट नहीं आई और आने का कोई चांसेस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेट किए। अच्छा ये डबल भी चाहे ना, अब नहीं वो आ रहा पानी। गुड नाइट जानिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ नहीं सोना, रोशनी आती है क्या आता है यार, सोचो ना मुझे बुखार हो रहा है। बुखार अल्लाह रहम करे बदतमीज। चल यहाँ पे हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा खबार खबूर तुझे। देखो जरा यहाँ पे, देखो यहाँ से देखो ना, देख ही नहीं, देखो खबार कहाँ चेक किया जाता है जी, देखो ठंडा खबार। तो क्या ठंडा कबार हुआ आपको, मनो मजा आ रहा है ऊपर सोने का। हाँ यार कितना इतना ज़्यादा, सच्ची बताओ। हाँ सच्ची। कहाँ से पानी गिर रहा है, टंकी लीक हो रही है। बारिश भी वैसे सही कड़ाकेदार हुई है। हाँ ना माँ ना, कितना ठंडक हो गया। वानिया ऊपर सोने का कितना मजा आ रहा है ना वैसे। हाँ। चारपाई भी छड़ी हुई है, चारपाई भी क्या हुई है, ऐसे ऐसे लेटी हुई है चारपाई लेटी ही होती है वानिया। पेंडू पेस्ट्री, बहुत अरसे बाद हम लोग ऊपर सो रहे हैं। लाइट पता नहीं आनी है कि नहीं आनी, ये अच्छा वैसे डिसीजन था कि हम लोग ऊपर आके सो गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि नीचे ही एक चारपाई मंगवा लेते हैं लेकिन फिर नहीं, ये अच्छा हो गया कि हमने ऊपर ही सोने आ गए। चलो जी अब सो जाएं। गुड नाइट मानो, गुड नाइट को दुआ करें हमारी लाइट आ जाए। क्यों सोने दो मैं सो गई, तो सो जाओ पर गाइस को कह दो कि दुआ करते हैं हमारी लाइट आ जाए। अपना करें दोस्तों मेरी लाइट आ जाए, लाइक आ जाए कि लाइट आ जाए है दोस्तों। दोस्तों मेरी लाइट आने लगी अभी और ना कल मेरी लाइट आई थी और बंद भी नहीं हुई थी। अजीब ही बात है, कल मेरी लाइट आई थी तो बंद भी नहीं हुई थी। आप तो बिल्कुल ही पेंडू पेस्ट्री हो। अच्छा अगर यार अभी लाइट आ गई तो हम नीचे चले जाएंगे। पक्का पक्का ना, तुम छोटी-छोटी बातें ना करो, छोटी-छोटी बातें ना करो। अल्लाह अल्लाह हो रही है, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, अम्मा के घर मिलाद भी है। भूल गई थी आप। अल्लाह करे कि लाइट आ जाए, वरना क्या करेंगे हम लोग। और ये कोई 1.5-2 घंटे हो गए लाइट गई हुई। हाँ तो ऊपर लेटे हुए ना, तो लाइट आएगी तो हम नीचे चले जाएंगे। नहीं, 1:10 हो गया। तो यार आपने पूछा नहीं था कि लाइट आनी है कि नहीं? शिवानी भाई से पूछते तो सही। अब इतने हमने बिस्तर बिछाए हैं, तो चाहे लाइट आ जाए। किसको कह रही हो? किसको क्या किस करी हो? मामू को। मामू दे दो ना, दे दो। मानी मामू ये देखो ऊपर एरोप्लेन गुजर रहा है और ये फिर ऐसे कह रही है। पहले नैन मामू को कहती होती थी, अब नैन मामू तो आ गए हैं, इसलिए अब ये मानी मामू के साथ काम चला रही है। मानी मामू दे दो ना, अब दे दो, जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। मामू चले गए। क्या कहते हैं मानी मामू? कहते मैं तो जा रहा हूँ। आए हाय, चलो आ जाएंगे। लाइट बंद करो। आप क्या कह रही थी उनको? बंद करो लाइट। अच्छा मानी मामू को क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी ना, मुझे दे दो ना डोला हाउस। डोला हाउस है तो सही। वो चला गया, दूर चला गया एरोप्लेन। प्लीज दे दो ना मेकअप। मानी मामू मेकअप दे दो प्लीज, मेकअप दे दो प्लीज, मेकअप दे दो प्लीज, प्लीज मेकअप दे दो ना, दे दो मेकअप। इस तरफ देख के कहना एक दफा, मेकअप दे दो, मेकअप दो। चले गए दूर, दूर चले गए। वो कहते हैं चल निकल यहाँ से। दे दो ना मानी मामू डोलाउस, दे दो डोलाउस। डोलाउस आपके पास है तो सही। वो गुम हो गया। वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। कहाँ? बाबा ने अलमारी पे रखा हुआ है। अब कैंसिल हो गया, अब तो नहीं कहोगी मानी मामू को। ये क्या बदतमीजी है। वो सारे रसूल